मेरे आज के मेहमान हैं शुजा हैदर। तेरा वो प्यार बहुत पसंद है मुझे, लेकिन क्या मैं इस कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट को जानती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए आज मिलते हैं शुजा हैदर से। थैंक यू सो मच शुजा, बड़ी मुश्किल से हाथ आयो, मगर शुक्र है आ गए। नो नो, आई मीन थैंक यू सो वेरी मच कि मुझे आपने अपने शो पे बुलाया। मैंने कल रात ही देखा था और मैं आइडिया मैं कितनी बड़ी फैन हूँ कोई आइडिया है? तो ये भी मुझे यकीन नहीं आता कि आप मेरी बहुत बड़ी फैन हैं। क्यों? Fact, क्यों नहीं ये 2006 से आई थिंक मैंने सुना था कि यू आर माय फैन, सो ग्रेट ऑनर। तेरा वो प्यार, प्लीज सिंग इट। तेरी वो खामोशियाँ कह देती थी वो सभी जो तू ना कह सकी। कैसे बताती मुझे, शर्माती थी वो जैसे आंचल में जलता दिया। मुझे जुकाम भी है, खांसी भी है। ओह थैंक यू, इट इज सो लवली। किसने लिखा है ये? यू वोंट बिलीव, ये मेरे छोटे भाई ने लिखा था। हैं? सबसे छोटा। मैंने कहा तू इतना रोमांटिक कैसे हो गया भाई, इतना रोमांचिक, इतना मतलब उसने पूरा का वर्ड रोमांचिक। हाँ वो तो रोमांचिक, मैं उसको बोलता हूँ सर, मैंने कहा रोमांचिक तुम कैसे हो गए? तो ही रोट द सॉन्ग एंड तो ये इसकी इसका ये इसकी तर्ज किस तरह आई थी? बस ये स्पॉन्टेनियस थॉट है, यू नो, इट जस्ट यू स्टार्ट प्लेइंग गिटार्स एंड थिंग्स जस्ट कम इन योर, यू नो, क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि वो कभी कभी। कितना अच्छा वीडियो बना, बहुत अच्छा उस वक्त, बहुत अच्छा वीडियो था। अमेजिंग वीडियो, व्हाट एन अमेजिंग, देयर वाज अ स्टोरी एक्चुअली इन द वीडियो एंड पूरी स्टोरी थी और आपके दिल को उसने ऐसे, स्पेशली आई रिमेंबर द बोट फूलों से भरी हुई वो जो थी, है ना? Yeah. वो लकड़ी की और उसके ऊपर आप लेटे हो और माय गॉड मेरा दिल। लेकिन समीना मुझे इतना डर लगता था पानी से, फरहान तो कहता है मुझे स्विमिंग आती है यार, तू चढ़ कश्ती में बैठ जा। मैंने कहा मुझे तो नहीं आती क्योंकि पानी ऐसे ठाठे मार रहा था। ये हमने एक मलीर में किया था जहाँ पे ये समंदर का पानी आता था रात में और दोपहर तक चला जाता, तो हमने उसको सुबह कुछ 10-11 बजे शूट किया था। और ये फरहान को आपने ढूंढा था कि ये डायरेक्ट करेगा? उस जमाने में हम लोग पार्टी बड़ी कर रहे थे एक साथ। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैंने गाना बनाया, इसको शूट करना है, इसको वीडियो। आई थिंक वो फरहान का बेहतरीन काम है। यस, वन ऑफ हिज यू नो गुड वर्क्स। यस, मुझे बहुत अमेजिंग वीडियो। अच्छा चलो अब थोड़ा सा रिवाइंड करते, कुछ बचपन की तरफ जाते। कहाँ पैदा हुए? मैं पैदा हुआ हूँ लाहौर में। अच्छा। टकसाली गेट भाटी है? Yes. अच्छा भाटी में टकसाली गेट और जो का कुचा कागजियों से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। अच्छा। ज़्यादा दूर नहीं है। और कितने बहन भाई? 4 भाई हैं बस, कोई बहन नहीं है? नहीं। अच्छा तो फिर तो घर में उधम मचता होगा। हाँ शुरू से हमारे घर में एक म्यूजिकल उधम हमेशा से रहा है, बिकॉज बचपन से हमें बड़ा एक म्यूजिक का एक तो तालीम भी देने की कोशिश की जाती थी कि तुम लोगों को करना, हाँ कि तुम लोगों को म्यूजिक करना है। 4 बजे सुबह? नहीं सुबह 4 बजे नहीं, स्कूल के बाद, स्कूल से जब आते थे तब प्रैक्टिस करना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप उठा लें उसकी प्रैक्टिस, यू नो यू हैव टू सिंग द सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट बजाना एंड ऑल दैट। तो वो एक माहौल था, लेकिन हम लोग क्योंकि वी आर बॉर्न यू नो इन अ फैमिली जहाँ पे म्यूजिक वॉज नॉट जस्ट यू नो अ थिंग, इट वॉज द फैमिली थिंग, तो हमें नहीं अच्छा लगता था कि हम म्यूजिक कर रहे हैं, हम चाहते थे कुछ और। मैं चाहता था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, आई वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर लाइक मुझे स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी लगती थी। वसीम अकरम देन जावेद मियादाद, वो हमारे बचपन में देवर द वंस एंड इमरान खान, शारजा का वो छक्का, सो बड़ी फैसिनेटिंग सी वो एक चीज़ अच्छी लगती। फिर 92 का वर्ल्ड कप, यू नो, सो वो सब चीज़ें हम वर्ल्ड कप में जीते, तो आई वॉज मोर इन टू स्पोर्ट्स। सो मेरी फैमिली में No one
कुट्टेल के ये कभी म्यूज़िक करेगा, इसका कभी रुझान भी, वो कहते थे कि इसने तो कुछ नहीं करना म्यूज़िक में, तो इसका कोई चक्कर नहीं है, आवारागर्दी करता है इसने, बस ये आवारागर्दी करेगा, इसको क्रिकेट खेलना है. तो सडनली जस्ट हैपेंड कि आई गॉट टू नो दैट एक्चुअली आई. तो कैसा माहौल था, किस किस्म के खाने बनते थे, क्या गुफ्तगू होती थी, किस तरह की शरारतें होती थी? शरारतें समीना एक्चुअली बहुत ही कम हुई हैं बचपन में, क्योंकि हमारा जो बचपन था उसमें कुछ फैमिली के कुछ हमारे अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा थे, तो बड़ा फ्लक्चुएट करता है यू नो सिचुएशंस. माय पेरेंट्स वर लाइक हैप्पीली मैरिड, देयर वाज नेवर एनी कोई इनका कॉन्फ्लिक्ट ना, बट हमारे कुछ फाइनेंशियल सूरत हाल ऐसी थी कि हम लोग कभी भी ये नहीं हो सका कि हम लोग हर चीज़ को फुली इंजॉय कर सकें, और यू नो ऑलवेज कुछ ना कुछ मसले रहते थे. Because your father was such an amazing musician. My grandfather was an amazing musician. My father was a musician as well. But again, उनको बड़ी struggle करना पड़ी थी. हाँ, my grandfather, yes, Master Sadiq Ali साहब. So, तो वो कुछ उन चीज़ का हम लोग हिस्सा बन गए, and plus education भी कोई खास नहीं कर पाए continue. तो lot of things actually, वो सब चीज़ें एक जिम्मेदारी बन गई थी कि इन सब चीज़ों को हटा के ज़िंदगी में कुछ करना है. और वो कैसे कर सकते थे, वो सिर्फ म्यूजिक के थ्रू कर सकते थे. तो सबकी पढ़ाई छूट गई, सबकी छूट गई पढ़ाई, और कराची चले गए. कराची आ गए हम. लेकिन लाहौर तो घर था, फिल्में बन रही थी, जबरदस्त काम हो रहा था. तो लेकिन लाहौर में उस वक्त काफी सीनियर लोग काम कर रहे थे. अच्छा, उन सीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते आप? या लाइक आई ऑलवेज यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू कंपोज सॉन्ग्स, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, राइट सॉन्ग्स यू नो. तो अब लाहौर में मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं गाना लिखता हूँ, कहते हैं कि लिखे यहाँ तो बहुत स्टूडियोस थे जहाँ ये काम. हाँ, लेकिन यहाँ पे वो कल्चर बेसिकली लाहौर में मुझे लगता है कि अब जाके कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जहाँ पे एक्सेप्टेंस है. हाँ, किसी को कुछ मानना ही नहीं, कुछ समझना नहीं. लाहौर बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ. नहीं मानता, मानता नहीं है जब तक कि आपने बिल्कुल वाकई हाथ में ऑस्कर ना ले आए या कोई बहुत बड़ा अवार्ड ना ले आए. आई थिंक तब तब भी क्योंकि यहाँ पे जो म्यूजिकल घराने के जो लोग हैं वो बड़ा सीना बसीना इल्म लेके चलते हैं, और उसमें ईगो भी आ जाती है, उसमें रिस्पेक्ट भी आ जाती है, बड़ी चीज़ें आ जाती हैं. तो अपॉर्चुनिटीज़ को इतनी आपको ओपनली नहीं मिल रही होती यहाँ पे पंजाब में स्पेशली. अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तब हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी. बट कराची वॉज द प्लेस, एक्चुअली कराची वॉज हैपनिंग प्लेस. कराची वो जगह थी जहाँ पे पॉप म्यूज़िक पैदा हो रहा था, और अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही थी. टीवी चैनल्स आ रहे थे, म्यूज़िक चैनल्स बन रहे थे. देयर वाज अ लॉट हैपनिंग इन कराची इन early 90s. So Indus tha. बहुत young musicians को बहुत जगह मिल रही थी, बहुत जगह मिल रही थी. तो हमारे लिए तो वो एक that was you know heaven. तो हम लोग फिर मैंने वहीं से शुरू किया, like I started with Indus. तो फिर वहाँ से फिर गजनफर अली ने यही तो किया था ना, अपॉर्चुनिटी दी थी सारे यंग लोगों को. अभी भी देखें सारे जितने भी टीवी होस्ट्स हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ देम दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम इंडस एक्चुअली. सो दैट वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. पहली मेरी मेमोरी कराची की वो ये है कि आई वेंट टू डू यू नो हारून आवाज. हाँ, बिल्कुल हारून याद है मुझे. तो मैं हारून के बहुत दोस्ती है, और मैं बचपन से जानती हूँ. अच्छा, लवली. हारून के बचपन से. ओके, तो हारून की तरफ गया तो मैंने देखा कि म्यूजिक जो है वो कंप्यूटर पे बन रहा है. देयर इज एप्लीकेशन कॉल्ड क्यूबेस. अच्छा, तो हम लोग तो बस कीबोर्ड पर बजाना या पियानो. सडनली यू नो यू विटनेस समथिंग विच इज़ बीइंग डन ऑन कंप्यूटर्स. दैट वाज यू नो द बिगेस्ट सरप्राइज यू नो, कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कंप्यूटर के भी म्यूजिक बनता है. ये कैसे बनता है? वेव्स दिख रही थी, यू नो आई वाज लाइक स्टंड कि इस पे मैं कैसे काम करूँगा. सो हारून टॉट अस. हारून ने काफ़ी आई थिंक मैं हारून को भी अपना आई वुड कंसिडर हिम एज माई टीचर, बिकॉज हम लोग तो कंप्यूटर पे काम करते थे, उसने वो एक सॉरी कीबोर्ड पे काम करते थे, उसने हमें कंप्यूटर का पूरा एक डायग्राम समझाया कि इस पे ऐसे काम होता है, जो कि आज तक हमारे काम आ रहा है. सो दैट वाज समथिंग दैट आई रिमेम्बर. और घर की क्या बात याद है? घर की बहुत सारी बातें हैं. घर की क्या तो बातें याद है? कोई डांट पड़ी या कोई शरारत की या कोई चोरी की? हाँ, एक बड़ा मशहूर है मेरे फैमिली में कि मैं बड़ा कभी कभी एक दफ़ा मैंने खामोश रहना शुरू कर दिया, खामोश बैठा रहता था. तो मेरे वालिद कहते हैं यार सोचता रहता है, पता नहीं कि सोचता रहता है. और मैंने खामोशी पकड़ ली ना, मैं खामोशी, हाय मेरा पुत्र सोचता रहता है यार, सोचता रहता है. मैं कहूँ मैं कुछ नहीं सोचता, तब वो कहते हैं ओए कुछ सोचा भी कर.
Then I started thinking कि कुछ सोचना चाहिए फ्यूचर के लिए. क्या ख्वाब देखते थे? As I told you, I was always wanted to become a cricketer. I मुझे स्पोर्ट्स का खामोश रहो में कोई ख्वाब देखते होगे ना. The song is not a composition, it's a thought, it's a message. मुझे लगता है कि जो लिरिकल कंटेंट होता है उसमें आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सुना नहीं रहे होते. मर्द हजरात जो होते हैं ना, वो वाकई में एक सच्ची बात है कि वो 5-10 मिनट के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते. हम लोग बस नॉर्मल एक स्क्रीन सेवर चल रहा होता है, लिटरली ऐसा नहीं होता कि हम लोग वाकई में कुछ सोच रहे हैं, हम लोग बस चिल कर रहे होते हैं. अच्छा. लेकिन वो कहते हैं कि कुछ सोच रहे हैं. अच्छा भाई, तुम कहते हो तो फिर सोच रहे हैं, चिल कर रहे हो. चिल कर रहे होते हैं, हम अपना सोच रहे होते हैं. और लिटरली मुझे तो समीना बड़ा हेल्प होता है इस चीज़ों से कि जब आप अपने आप को टाइम देते हैं ना, तो वो अपने आप को टाइम देने से ही आप क्रिएटिव होते हैं. बिल्कुल होते हैं, बिकॉज़ वो जो क्लटर फ्री टाइम होता है ना, हाँ. जब आप कुछ नहीं सोच कुछ रहे नहीं सोच रहे होते, उस वक्त आइडियाज आते हैं. और ये किसी को नहीं पता. मैं तो ये करता हूँ कि आई ऑलवेज ट्राई टू गिव टाइम टू माय सेल्फ. जब आप बहुत इमेजिन कर रहे हैं तो उस वक्त नहीं, जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते तब जाके कुछ चीजें होती है. कहते हैं ना जीरो थॉट्स पर सेकंड, जब आपकी जीरो थॉट्स होते. टोटली. तो बहुत सारी मेमोरीज हैं बचपन की. तो यार I've seen, फैमिली में कौन कौन गाता है? भाइयों में, चारों में? अम्मी गाती है? नहीं, अम्मी नहीं गाती. अच्छा. अब्बू बहुत अच्छा गाते थे. अच्छा. बहुत अच्छा गाते हैं. और भाइयों में सभी गा सकते हैं. तो क्या होती थी जब आप सब बैठते थे खाना खाने के लिए? बस हम लोग अच्छा, हमने कभी भी बैठ के ना म्यूजिक की बात नहीं की. यू नो, वी ऑलवेज हैड अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट, बिकॉज म्यूजिक वाज समथिंग व्हिच वाज इन ब्लड. तो होता ना कि फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि यार ये तो हमारे घर का ही काम है, तो हम लोग क्यों इसके बारे में इतना बात करते. वी नेवर यूज्ड टू डिस्कस म्यूजिक. इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत जरूरी. हाँ, बस हम लोग सिर्फ अच्छा म्यूजिक जरूर सुनते थे. लाइक यू रिमेम्बर बनी? हाँ. तो बनी अंकल हम लोगों को देते थे कैसेट्स, तो वो कहते थे कि ये सुना करो, ये म्यूजिक सुना करो. तो हमारी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी की बनी अंकल ने. जो म्यूजिक वो यूज टू ट्रेवल अलॉट, तो वो यूके से और अलग अलग ममालिक से ही यूज टू ब्रिंग दिस कैसेट्स. तो आप हर तरह के साउंड सुनते थे, हर तरह के म्यूजिक सुन रहे थे. तो वो इतना अच्छी डेवलप आज तक हेल्प करता है, क्योंकि यू नो यू हैव द ईस्टर्न साइड एंड देन यू हैव द वेस्टर्न साइड. वो दोनों चीजों को हम लोग. बाकी भाई जो हैं वो क्या करते हैं? देयर इनटू म्यूजिक. सब म्यूजिक. सब म्यूजिक कंपोजर्स हैं या म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं? प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंपोजर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं. सो आप क्या हो? सिंगर भी हो? सिंगिंग, कंपोजिंग, म्यूजिशियन, लिरिक्स राइटिंग, पोइट्री. लाइक अल्लाह अकबर इज माय अल्लाह अकबर खाकी बंदा नवाज़िश करम एंड देन यू नो. तो ये किस वक्त में लिखते हो ये सारा कुछ? मैं वही तो बता रहा हूँ कि खाकी बंदा वाज माय वन ऑफ माय सॉन्ग इन कोक स्टूडियो. वो मैंने सारा गाड़ी में किया, यानी आई वाज ड्राइविंग. वो वॉइस नोट पे मैंने लिखता गया और मैं उसकी मेलोडी भी बनाता गया. सो मैं आज सुबह 8 बजे मैंने ड्राइविंग शुरू की और 10 बजे मैं जैम के लिए पहुंचा. फर्स्ट जैम खाकी बंदा था. उस वक्त तक मेरे पास उसका एक रफ स्ट्रक्चर पूरा मैंने बना लिया था. सो इस तरीके से कभी गिटार पे बैठ के गाना मैंने बहुत कम बनाया. इट्स ऑलवेज बिकॉज टू मी सॉन्ग इज नॉट अ कॉम्पोजिशन, इट्स अ थॉट, इट्स अ मैसेज. मुझे लगता है कि जो लिरिकल कॉन्टेंट होता है उसमें आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सुना नहीं रहे होते. यू नो, आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और किसी के इमोशंस के साथ रिलेट कर जाना लिरिकली, कॉम्पोजिशन वाइज, म्यूजिकली, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना. दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज इन्जॉय. किसी के साथ, जैसे आपने कहा कि अब तेरा वो प्यार इज समथिंग प्लेड सम रोल इन योर लाइफ, सो दिस इज हाउ यू नो. क्योंकि अगर वो टच नहीं करेगा, टच तो फायदा नहीं है, तो फिर वो नहीं, वो हिट भी नहीं होगा. हाँ, हिट नहीं होगा, वो एक साउंड होगा बस, आया और गया. सारे रिलेट करते हैं ना एक गाने से हमारी अपनी कोई याददाश्त है या हमारी कोई फीलिंग है या हमारा कोई साथ कुछ हुआ है, कोई हादसा है, हम उससे रिलेट करते हैं. वो जाकर हमें, अगर वो जाके सही कहते हैं ना, वो सम पे आए, तो फिर जाके आपको यू नो, फिर आपको वो लग जाता है. वो आप बार बार सुनते हैं तो पता नहीं, मैंने कोई 1000 बार तो सुना होगा तेरा वो प्यार. काफ़ी लोगों ने मुझे बागी के ऊपर भी जो बागी का गाना था, तो उसके ऊपर लोगों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में बड़ा इफेक्ट किया है कुछ. तो हाँ, योर म्यूजिक यू नो, इट हैज एन इफेक्ट ऑन अदर पीपल्स लाइफ. टाइम नहीं है कि सुबह सवेरे लिखूंगा या रात को देर तक जागूंगा तो मुझे कोई थॉट आएगा. ये कहीं भी आ सकता है, किसी भी. और वो ऐसा लगता है कि मोहताजी है यू नो, उस लम्हे की, जिस लम्हे में वो उस चीज़ को आपने, क्यों मौसीकी तो हवा में है यू नो, जस्ट जस्ट हैव टू ग्रैब इट. And just to find the right time, it's an art, you know. That's मौसीकी से इतना डरते क्यों हैं? मौसीकी से? हाँ. हम क्यों डरते हैं? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मौसीकार बने या सिंगर बने. हमारा माशरा भी नहीं ज़्यादा सपोर्ट करता. क्यों इतने खौफज़दा हैं हम मौसीकी से? अच्छा, मुझे आप कह रहे हो कि वो हवा में है, कायनात में है. कायनात में है. फिर क्यों डरते हैं?
بہت ساری چیزیں ہیں سمینہ, اس میں تعلیم کا عام ہونا بھی بہت لازمی ہے, بڑے فیکٹرز ہیں, کیونکہ ہم ابھی آپ ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ بہت ساری علاج کر سکتے ہیں. مینٹل اگر کنڈیشنز آپ کی صحیح نہیں اور آپ کے کیمیکلز گڑبڑ ہیں تو ہم میوزک سے, موسیقی سے آپ لوگوں کو ہیل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اور بھی بچوں کو, آپ بچوں کو موسیقی سناتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو موزارٹ کی موسیقی میں انہوں نے ایسی چیزیں انہیں ملی ہیں جس سے کہ پریگننٹ عورت اس کو سنے تو بچہ کی بڑی ہیلدی نشو نما ہوتی ہے. تو یہ پورا کلاسیکل میوزک اور ہمارا کلاسیکل میوزک اس پہ ریسرچ ہی نہیں کی. باہر کے لوگ تو اپنے میوزک پہ اپنی نوٹس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو دکھی ہوئی نوٹس ہیں بڑی ضروری ہیں رکھنے کے لیے, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. ہم سنبھال ہی نہیں رہے, ہم سینہ بسینہ مگر ہم بانٹ نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا, مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو, شاید میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کلاسیکل میوزک, اور ہمارا نہیں اوور آل کلاسیکل جو میوزک ہے اس کے ایکسٹینشن کا مقصد, وجہ یہی ہے کہ وہ سینہ بسینہ رکھا, اس کو تعلیم کو عام نہیں کیا, کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, چھپانے سے گھٹتا ہے. تو اتنا چھپایا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ اس کو نہ آئے, یو نو, اور کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ اس کو نہ آئے, تو کیسے گروتھ ہوگی؟ یو نو, تعلیم کو تو عام کرنا پڑے گا, وہ چاہے موسیقی کی تعلیم ہو, چاہے وہ اسکول کالج. جیسے میتھمیٹکس ہے, یو نو, پوری کائنات میتھمیٹکس کے اوپر بیس کرتی ہے, آپ کی ساری سائنس, میوزک بھی میتھمیٹکس پہ بیس کرتا ہے. اٹ از, فور شور, فور شور. جتنے آپ کے تال ہیں, جتنے آپ کے سر ہیں, ان کو آپ گن سکتے ہیں, یو نو, تو سب کچھ میتھمیٹکس ہے. تو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو ہم موسیقی سے ڈرنے لگ گئے. It develops your brain, it develops your soul, it develops your entire being. Yeah, but the positive thought is that now it's happening. I think logon ko Napa mein school baqaida taur pe school mein iska sikhaya ja raha hai. Hamare zamane mein jab hum bacche the, hamare jo music hamara hissa tha, musiqi bacche hum roz seekhte the aur Umra Bundu Khan sahab sikha rahe the. تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے. پیچھے جو اسکول کراچی میں ہم نے کراچی میں, جی میں کراچی سے ہوں. اچھا, پیچھے سے اسکول میں میں نے پڑھا. اچھا, تھاٹ یو فرام لاہور. نہیں, میرے میاں لاہور کے, اور اب میں لاہوری ہو گئی. اچھا, لاہوری ہو گئی آپ. مگر میرا کراچی میں ہے دل, دل میرا وہاں ہے, کراچی. زبردست. اچھا, مجھے کراچی سے بہت محبت ہے. آئی لو کراچی. حالانکہ میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا, لیکن جتنا بھی میرا, مجھے جو نام اور اللہ نے جو بھی, اٹ آل ہیپنڈ ان کراچی. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ان لاہور, ناٹ بیکاز میں کچھ کر نہیں سکا, کیونکہ یہاں پہ ایک, یہاں کا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور کراچی میں لوگ تھوڑے سے, مجھے لگتا ہے کاسموپولیٹن ہے نا, ہر طرح کے لوگ, ہر طرح کے لوگ, ہر زبان بولنے والے ہیں, کلچر کے لوگ وہاں رہتے ہیں. تو لیکن اب جا کے مجھے وہاں پہ اپنی جگہ بنانا آسان ہے کراچی میں. ہاں نہیں, کراچی میں جگہ بنانا, دیکھو جگہ بنانا تو کہیں پر بھی آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ایکسٹریملی آسم ٹو بی, یو نو, لائک وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار, میں کہتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا ہونا پڑے گا آج کے دور میں کسی کی پلے لسٹ میں رہنا, بیکاز اب میوزک آپ کے فنگر ٹپس پہ, یو نو, یو گاٹ, یو نو, ساون, یو گاٹ سو مینی میوزیکل اپلیکیشن, یوٹیوب. لائک ایک شخص آپ کو اسپیسیفکلی آپ کو سن رہا ہو, یہ بہت بڑی بلیسنگز ہیں. تو اتنے سارے میوزک میں, millions of people are doing music. And what do you listen to? I listen to Sting. I listen to Coldplay, like, and then Henry Mancini. I don't know if you've heard of Henry Mancini. Yes, I have. The creator of Pink Panther. And John Williams and... وہ تو فلم کے سکور بہت, تو پھر کیا کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے, کیا ساؤنڈ اٹریکٹ کرتی ہے؟ Thought. It's obviously thought. Because... جب میوزک بجتا ہے تو ایک ویژن آتا ہے, تو وہ اچانک آپ کسی اور دنیا میں جو چلے جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں. وہ جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں نا, دیٹس دا پلیزر دیٹ یو سیک وائل یو لسن ٹو اے گڈ پیس آف میوزک. سو مجھے وہ لگتا ہے کہ میں اگر ٹکسالی میں بھی ہوں نا, اف آئی ایم لسننگ ٹو با, آئی گو ان ہز ورلڈ. اینڈ ایک جہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ ٹریول کر رہے ہو یار, یہ چیزیں بھی ایکوائر کرنی پڑتی ہیں, یہ بھی آسانی سے نہیں ملتی. اور داد دینا بھی ایک آرٹ ہے, یو نو, داد لینا آرٹ نہیں ہے, لیکن داد دینا بھی ایک آرٹ ہے, سننا بھی ایک آرٹ ہے. کہتے ہیں نا کہ میوزیشینز تو بہت ہیں پر سننے والے نہیں رہے, سننے والے ہے نا, سنکار جسے کہتے ہیں, سنکار. ایگزیکٹلی. آر یو رومانٹک؟ میرے سارے گانے رومانٹک ہیں ایکچولی. بٹ آر یو رومانٹک؟
I don't know. I mean, I never figured that out, by the way. It's just नहीं बस romantic होता है ना जो बादलों को note करता है और हवा चल रही है तो उसको खड़ा हो जाता है फूलों को note करता है तितली को देखता है खड़े होकर क्योंकि मर्द जो है ना वो नहीं चाहते कि उनको कोई ये कहे कि वो romantic है वो हम ख्वातीन तो बड़े आराम से कहती हाँ मैं तो सब चीज़ें नोट करती हूँ है ना नहीं अगर अगर इसको हम लोग रोमांस कहते हैं तो बिकॉज आई लव नेचर आई थिंक एनीथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल यू नो इट गेट्स योर अटेंशन एनीथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल गेट्स योर अटेंशन एंड दैट्स द लॉ ऑफ नेचर उसको कुछ स्पेसिफिकली मैं नाम दे दूँ कि यू नो पहली मोहब्बत कब हुई थी पहली मोहब्बत मुझे हुई थी व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड आई थिंक आई वाज 14 15 दैट पेंट किया कभी नेवर कभी ड्रा नहीं किया नो नो पहली चीज क्या लिखी थी आई डोंट रिमेम्बर सीरियसली आई डोंट रिमेम्बर मैंने पहले क्या लिखा था बट अरिफ भी हो सकती है आई एम श्योर तख्ती लिखी थी हाँ तख्ती बिल्कुल हम लोग तख्ती लिखते थे जाते थे ट्यूशन होती थी हमारी जो वो कलम और दवात हमने तो वो जमाना देखा हुआ आज तो आई पैड आ गए तो वो तख्ती पे लिखते थे हम लोग पहला खत किसको लिखा था बताओ ना पहला खत मैंने अब वो मेरे ख्याल में वो जमाना नहीं रहा लेकिन हाँ लिखा था खुशबू डाली थी उसने नहीं खुशबू नहीं डाली अच्छा खत लिख के क्या किया था बस पोस्ट कर दिया जवाब आया था बस ये एक महीना चला अच्छा खतों किताबत चली अच्छा मजे की बात है कि हमने वो खतों किताबत के भी जमाने देखे हैं वाह आजकल के जमाने में बड़ी चीजें आपको लगता है कि ये क्या था यार खतों किताबत पोस्ट ऑफिस जाना याद है हाँ बिल्कुल यस आई रिमेम्बर मुझे याद है कि जब हम लोग वजीराबाद में सबसे पहले रेलवे स्टेशन बना था ना वहां से शुरू हुआ था तो वहां पर वो कहते थे ट्राला तो ट्राले के ऊपर वो छत नहीं होती थी वो सिर्फ बगैर छत के होता था और फसलों के अंदर एक रेल की पटरी चलती थी और येलो फ्लावर्स एंड इट यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल तो उसमें हम लोग रोज आना जाना हमारा होता था वहाँ पे तो फिर उसके साथ ही एक गाँव है जिसको कहते हैं किला सतारशाह अच्छा वहाँ तक आना जाना और सीन दैट खूबसूरत आई सीन यू नो द कलर्स ऑफ पंजाब अच्छा जब खामोश होते हैं तो क्या बजता है दिमाग में डिफरेंट सॉन्ग्स एक्चुअली सॉन्ग्स दैट आई लाइक कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो हॉन्ट करते हैं आपको क्या हॉन करता है कौन सा गाना देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स लॉट ऑफ सॉन्ग्स आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट सॉन्ग लाइक इज नॉट इनफ टू लिसन टू एवरी मेलोडी हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग शेप ऑफ माय हार्ट बस्टिंग नहीं ही डील्स अ कार्ड्स एज अ मेडिटेशन एंड दोज ही प्लेस नेवर सस्पेक्ट ही डजंट प्ले फॉर द मनी ही विंस ही डजंट प्ले फॉर रिस्पेक्ट सो वो उसका गाना मैं बड़ा जब मैं होता हूं मोहब्बत कब हुई पहली मोहब्बत मुझे हुई थी व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड आई थिंक आई वाज 14 15 है या फिर क्या हुआ कुछ नहीं वो बचपन की मोहब्बत जो होती है वो क्या किया था ऑनेस्टली कुछ भी नहीं किया था बस वो एक मे बी दैट वाज लव इनफैचुएशन और व्हाटएवर अब दूसरी मोहब्बत हुई जब मैं आई वाज 24 या फिर बस मोहब्बत हो गई फिर क्या किया उस मोहब्बत का वो छोड़ के चली गई या यू डिसाइडेड टू गो योर वे और डिड यू प्रपोज टू हर या आई नो आई नेवर प्रपोज एनीबॉडी आई मीन मुझे मैंने कभी प्रपोज नहीं किया प्रपोज करना मतलब क्या शादी के लिए हाँ नहीं शादी के लिए मैंने फिर कब किया शादी के लिए प्रपोज किसको किया शादी के लिए मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था जाहिर सी बात है उसी को क्या था दैट वाज इन फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम या लव मैरिज या वेयर डिड यू फाइंड हमारे जहाँ पे मैं रहता था पहले कराची में तो वहाँ पर वो ये लोग उनका आना जाना था एक ब्यूटी पार्लर था वहाँ पे अपार्टमेंट में तो बस वहाँ से कुछ मेरी वालदा के साथ कुछ मुलाकात हुई एंड देन आई गॉट टू नो हर फिर वहाँ से शादी हो गई प्रपोज नहीं किया अच्छा कहते हैं ना कि प्रपोज वो अंगूठी दे के और नीचे बैठ के और पूरा एक माहौल वैसा कभी मैंने नहीं किया क्या है भाई क्यों शादी करनी यार शादी कर ली बस ऐसा
दूल्हा बने थे बाकायदा तौर पर। मैं बहुत हंसता हूँ वो मेरी शादी की जो फिल्म है ना हाँ। उसमें वो मेरी तस्वीर जो पूरी स्क्रीन पे ऐसे चल रही होती ना हाँ, ओह इट्स सो फनी। गुलाब पहना था हाँ, शेरवानी गुलाब। मेरा तो ड्रेस ही मैं शॉर्ट्स एंड टी शर्ट दैट्स व्हाट आई वेयर। तो मेरा बस चलता मैं अपने शादी पर भी वही पहनता लिटरली। मगर क्यों इतने क्यों लेजी हो? इट्स नॉट अबाउट बीइंग लेजी बट इट्स जस्ट दैट यू नो इतना कंफर्ट क्यों चाहिए भाई हर वक्त? आदमी तैयार हो, आदमी बाल बनाए, आदमी कपड़े पहने, नहीं करें सजे सजाए, यू नो सजना अच्छा होता है। नहीं अच्छा, चलो मैंने पहन भी लिया ना अगर हाँ। तो फिर वो कजन इतना मजाक उड़ाते हैं कहते हो तारी दो यार, वो फिर पीछे बढ़ जाते हैं। सेहरा बांधा था हाँ? नहीं सेहरा नहीं बांधा था, कराची में होती है ये। आप जो आप ये शादी की बात करें ये पंजाबी शादी है। नहीं पापा, कराची में सेहरा बांधते हैं, पंजाब में वो नोटों का हार पहनते हैं। पंजाब में नोटों का हार, पंजाब में नोटों का हार पहनते हैं। और सेहरा वो वाला होता है वहाँ शादी मुबारक जिस नहीं, सबसे जो फनी मुझे लगता है रुमाल क्यों रखा होता था ना। हाँ ये मुझे आज तक समझ में, हाँ ये रुमाल क्यों रखते थे इनमें? मैंने अपने ताया की शादी देखी है, पूछा और ताया मेरा बड़ा एक ब्लंट सा आदमी थे वो हाँ। और किसी को भी क्या बात करते हैं, अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, विटी। और लेकिन शादी पे रुमाल रखा हुआ शुक्र के यार, ऐसे कि इतनी शर्म आज क्यों आ रही है, पहले कभी नहीं आई तो हाँ, मैंने हमेशा वैसे वंडर किया कि रुमाल और ये खास खास तो शादियों में हाँ, लेकिन अब अफसोस है या शायद ना, लेकिन अब नहीं होता। आजकल के जमाने में बीइंग एक्सप्रेसिव इज समथिंग दैट वी हैव हमने वो लूज कर दिया है वो ना, किसी को एक्सप्रेस करना किसी चीज को। हालांकि कम्युनिकेशन बहुत ईजी होगी, यू नो जस्ट कैन टाइप अ मैसेज टू समबडी, लेकिन आज वो चीज़ें तो नज़दीक आ गई हैं लेकिन जो हकीकत है ना वो बहुत दूर हो गई। मुझे लगता है कि यू नो यू जस्ट या यू कैन टॉक अबाउट प्रोसेस खत्म है ना, जब खत लिखने का प्रोसेस हाँ। फिर उसको आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट द चार्म, वो चार्म था हाँ, वो चार्म था एक, वो एक फिर इंतजार था कि अब खत आएगा, डाकिया लाएगा, डाकिया का इंतजार निकल गया जिंदगी में से हाँ, इंतजार निकल गया, इंतजार बहुत, पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, बिकॉज़ इंतजार कर सकते थे ना, पेशेंस उसी से आती थी ना, बिकॉज कुछ भी नहीं अवेलेबल। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक 70 इफ यू टॉक अबाउट द म्यूजिक फ्रॉम 60s 70s एंड यू नो इवन लेट 80s, तो मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लेस टेक्नोलॉजी एंड यू नो बहुत अच्छा म्यूजिक हमने सुना है, बहुत अच्छा लोग म्यूजिक बनाते थे बिकॉज वो पूरा सोल और हार्ट एंड सोल के साथ बनाते थे, और अभी वो चीज़ें मुझे लगता है कि ऑब्सोलीट होती जा रही है। अभी जो म्यूजिक बज रहा है मुझे तो नहीं समझ आ रही, और जो फ्यूजन कर रहे हैं बहुत सारे गानों को लेके वो मेडलीज बना रहे हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाई दे आर डूइंग। हालांकि म्यूजिक अभी भी अच्छा बन रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आई डोंट नो इफ यू दिस सॉन्ग इज बड़े अच्छे अच्छे जो गाय चार्ली, उसके बड़े मजेदार गाने आ रहे हैं, लिरिकल कॉन्टेंट अभी भी वेस्ट से बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा या तो बढ़िया, द टेस्ट हैज चेंज्ड, आई थिंक यू नो द ओवरऑल स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड, बट या वी हैव बीन फॉर्चुनेट दैट वीव यू नो वीव हर्ड द बेस्ट ऑफ द पीपल। सो यू हैव थ्री चिल्ड्रन, आपके तीन बच्चे हैं, या माशाल्लाह। जब पहला बेबी गोद में उठाया था तब क्या फीलिंग? यार बस वो दिन ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब ये ख्वाब, बिकॉज मैंने कभी भी अपने आप को एज अ फादर सोचा नहीं था कि कभी बाप बनेंगे, हमेशा ये था कि हाँ शादी हो गई अब, लेकिन बच्चे वाला जो एक मोमेंट था ना बहुत एडवेंचरस था यार, देयर वाज समथिंग दैट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एंड आई कुड एक्चुअली फील इट कि यू नो एक तो आप बाप भी हैं साथ में आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, सडनली फ्रॉम अ गाय टू यू नो अ फादर, एक आपकी बिल्कुल ही आपकी डेजिग्नेशन ही चेंज हो गई सडनली लाइफ में, लड़के से हाँ बाप बन गया, यू नो द नेक्स्ट आवर यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू नो विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सो मच ऑफ यू नो यू हैव टू शेयर लव, सो मच, सडनली वो सब चीजें चेंज हो गई। तो एंड द पहली बेटी है, पहली बेटी, ओह यू आर सो लकी। मैं मुझे याद है कि जब वो उसका था तो आई वॉज इन द मॉस्क, मैं दुआ कर रहा था कि बस खैरियत से हो, तो आई वॉज रियली हैप्पी, आई थिंक मुझे बहुत, एक तो हमारे फैमिली में लड़कियाँ थी भी नहीं तो हमारे लिए तो वो एक हाँ
पहली हाँ, तो मान ली भाई भाई और फिर पहली बेटी घर में, पहली लड़की हमारे घर में, लड़की, हाँ. तो हम सब बहुत खुश थे, मेरे भाई सारे, शी इज बीन यू नो वो यू नो आपको कतारा है वो. तो नाम क्या रखा उसका? उसका नाम है किरत, वी कॉल किरत हैदर, किरत हैदर. और दूसरी का नाम है कोम्पल हैदर, और बेटे का नाम है अब्दुल्ला कयान हैदर. अब्दुल्ला, वी कॉल हिम अब्दुल्ला. तो Do you feel के बेटे और बेटियां बराबर होते हैं? Strongly feel that. मुझे लगता है कि especially आजकल के ज़माने में, कि क्योंकि कोई भी, अब तो देखो कि लड़कियां भी शायद वही skills दिखा रही हैं, पहले भी दिखाते थे लेकिन अब थोड़ा सा obvious हो गया है ना. They can play piano, guitar, sing, drums बजा सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं यार, कुछ भी कर सकती हैं. आई थिंक वो जो नेचुरल डिफरेंस है वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो टैलेंट वाइज यू नो सब इक्वल है ना हम लोग, वो बड़ा मैटर करता है. वो बड़ा मैटर करता है कि अ गर्ल कैन राइट अ सॉन्ग एज वेल, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी यू नो. दे शेयर लव, यू नो दे लव टू कम्युनिकेट, दे लव टू एक्सप्रेस, एवरीथिंग इज जस्ट देयर. वो एक माइनर सी चीज़ उठती है और वही कहते हैं कि एक ख़राब सेब आपने 7-8 अच्छे सेब में रख दिया तो वो सारे को सारे ख़राब कर देगा. इट्स जस्ट लाइक दैट. म्यूजिक की दुनिया में सब बराबर है. इज़ दैट वन? मैं म्यूजिक के बारे में, हाँ बिल्कुल, आर्ट की दुनिया में सब बराबर है, सब बराबर. लेकिन बट रियलिटी इज यू नो द बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट एवर हैपेंड इन द वर्ल्ड, बट देयर ऑल यू नो मेल. तो वो तो है, लेकिन नहीं फीमेल भी हैं अभी. हैं माइकल जैक्सन है तो, मैडोना भी तो है ना. मैडोना भी, बट अगेन यू नो द स्टारडम एंड द यू नो जो उसका एक माइकल जैक्सन का जो था वो. हाँ मगर मैडोना भी है. अगर खवातीन नाम बना रही हैं तो मर्द भी बना रहे हैं, मर्द बना रहे हैं तो औरतें भी बना रही हैं, ऐसा तो नहीं है. बट डोंट यू हमारी सोसाइटी, मुझे लगता है कि जो जैसे अभी भी शाहरुख खान अभी भी हीरो आ रहा है, यू नो दे हैव लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू देम. अपने प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिमाग का खलल है. हां अदरवाइज वुमेन आर एज अमेजिंग इन म्यूजिक. इन म्यूजिक आई स्ट्रांगली फील दैट वुमेन आर अमेजिंग. आई मीन दे आर अमेजिंग आर्टिस्ट कमिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड फ्रॉम इंडिया. बिकॉज़ मेरिल स्ट्रीप इज स्टिल मेरिल स्ट्रीप. Yeah. Nobody can take this space. Yeah. See? Have you seen that? I don't want to talk about the things that have come through, though it's now it's history. Khubsurat film, mazay ki film. Lovely. Abba then Carpenters and Kieran Carpenter. Kieran Carpenter. Oh, so? Yeah, I told you. And yeah. Music, I mean, women have done wonders. And there is nobody like Maria Callas. बराबर है. और मुझे बाकी कुछ चीजों का नहीं इतना पता, लेकिन म्यूजिक में तो आई थिंक वुमेन एंड मेन. जब ये सब कुछ होता है एज अ सेंसिटिव म्यूजिशियन, जब आप इतना अपने पाकिस्तानी माशरे को देखते हैं, उसमें जो कुछ हो रहा है, यू हैव योर आंखों का तारा, तो क्या फील होता है जब Kaina, Zainab, and my God, so many girls and boys also, जिनके साथ ज्यादती होती है, तो आपको क्या फील होता है उस वक्त? मुझे लगता है कि आप नहीं समझते हो कि म्यूजिक म्यूजिशियंस का कोई फर्ज बनता है कि वो अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसा काम करें कि बहुत सारे बच्चे बच जाएं, बच्चियां बच जाएं? मुझे लगता है कि हाँ, म्यूजिक बहुत बाद में आता है. ये बेसिकली वैसे दुनिया में हर जगह ही हो रहा है. मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक तालीम से भी नहीं है, इसका ताल्लुक एक्सपोजर से भी नहीं है. इट्स हैपनिंग एवरीवेयर. क्यों? ये मुझे कोई पता नहीं, मुझे लगता है कि ये कुदरती कोई कोई डिफॉल्ट कोई चीज़ है प्रॉबली, जिस किसी में ज़्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है. नो किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, किसी के अंदर बुरी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है. नो इट्स जस्ट आई डोंट नो, ये मुझे समझ भी नहीं आता, वो रीज़न समझ भी नहीं आता कि इंसान ये काम कैसे कर सकता है. या तो कभी सोचा मर्द इतना वायलेंट क्यों है? आपके घर में तो यूस है कि आपके पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था जी. लेकिन अगर पंजाब में देखें या कहीं भी देखें, सिंध में देखें, कहीं भी, वहाँ पे बहुत वायलेंट है मर्द. अच्छा मैंने तो नहीं देखा, मैंने सिंध में तो बड़ा मैंने एक टीवी प्रोग्राम किया था उसमें मैंने देखा कि सही है, लोग नॉर्मल हैं यार. दे शेयर लव, यू नो दे लव टू कम्युनिकेट, दे लव टू एक्सप्रेस, एवरीथिंग इज जस्ट देयर. वो एक माइनर सी चीज़ उठती है और वही कहते हैं कि एक ख़राब सेब आपने 7-8 अच्छे सेब में रख दिया तो वो सारे को सारे ख़राब कर देगा. इट्स जस्ट लाइक दैट. जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई पाई जाती है, लेकिन उसको हम लोग तवज्जो का मरकज़ नहीं बना सकते, हम लोग उसको मिसाल नहीं कायम बना सकते उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अच्छे हैं. तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा हम लोग जाति करते हैं. ये भी है कि शायद ज़्यादा अच्छे लोग जो हैं वो आगे नहीं आ रहे. ज़्यादा अच्छे लोग आगे मुझे लगता है इसलिए नहीं आ रहे हैं कि
कोई चाम नहीं है अच्छा होने में. आजकल बुरा होने में चाम है. यू नो सडनली यू बिकम पार्ट ऑफ न्यूज़. है ना, एक बुरा काम करते हो वो पूरी न्यूज़ में हर जगह मीडिया उसको लेके चला जाता है. लेकिन आप अच्छा काम करेंगे उसके लिए यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू लेट देम नो यार दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन. तो मुझे लगता है कि जो अच्छाई है वो वैसी किसी आइसोलेशन के अंदर चली गई है और जो बुराई है उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रॉब्ली जस्ट टू गेट अटेंशन आई गेस. तो अब बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज मीडिया इज डूइंग पॉजिटिव स्टफ एज वेल बट देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो भी एक इन टू द फेस है. काफ़ी चीज़ें जो बच्चे टीवी देख रहे होते हैं हमें नहीं डिस्कस करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अब वो आ रही हैं. कोई ऐसी बात जो बदलना चाहते हो अपने बारे में अदर देन नॉट वेयरिंग अमेजिंग क्लोथ्स एंड बीइंग अ फैशनिस्टा? अपने बारे में बदलना चाहता हूँ जिस चीज को, वो बहुत मेरा दिल जो है ना वो बड़ा, मैं बहुत जल्दी यकीन कर लेता हूँ चीज़ों पे, बहुत जल्दी लोगों की बातों पे यकीन कर लेता हूँ. तो स्ट्रेंथ है उसको कभी ना बदलना. लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि लोग इसको बड़ा यूटिलाइज करते हैं, दे इन अ नेगेटिव वे. आई मीन द मोर नाइस यू बिकम यू नो, वो इसी का एक बड़ा हार्श रिएक्शन आपको कभी कभी देखना पड़ता है. मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए पास्ट में जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ. हाँ, दैट इज समथिंग दैट, हाँ, एक बड़ा बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी, जहाँ पे आप रोब भी दे सकते हैं और जहाँ पे आप नाइस. रोज इंसान सीखता है, रोज सीखता है, रोज गलतियाँ होती हैं, रोज सीखता है. बट आई थिंक ये जो ट्रस्ट करना है मेरे नज़दीक, आई थिंक ये एक अच्छी बात. नो, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. आप एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हम इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें बातचीत करते रहना चाहिए, हमें अलहदा नहीं होना चाहिए, हमें उनके दरमियान रहना चाहिए. तो जब आप दरमियान रहेंगे तो ट्रस्ट तो करेंगे. नो, आई वाज नॉट ट्रस्ट, बहुत बहुत ट्रस्ट स्टेटमेंट है. और जैसे कि जब आप किसी भी शोबे में होते हैं किसी, क्योंकि मैं बड़ा अपनी इंडस्ट्री से बड़ा रिलेट करता हूँ, तो हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है म्यूजिक में. लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स टू सिंग, सी नॉट एवरी वन कैन सिंग, टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी दैट नॉट एवरीबडी कैन सिंग. वो एक बड़ी अच्छी मिसाल थी कि एन आर्टिस्ट, नॉट एवरी वन कैन बिकम एन आर्टिस्ट बट एन आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनी वेयर, यू नो. तो ये समझ लेना किसी को कि वो मुझे अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं, आप हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे, अब हमें गवाते नहीं, आप हमें ये नहीं करते, अब आपको वीडियो भेजे, आप वीडियोज देखते रहते सर पकड़ लेते हैं यार, तो नहीं गा सकता. लेकिन वो अपने साथ जज्बाती तौर पर इतना ज्यादा रजामंद है, yes. इतना रजामंद है कि वो समझ रहे कि मैं कल्प्रिट हूं, मैं चाहता नहीं कि वो आ गया. हाँ. लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि उसके अंदर वो जो पोटेंशियल जो होनी चाहिए वो नहीं है. टू रिकॉग्नाइज द टैलेंट ऑफ योर ओन इज एन आर्ट इटसेल्फ. एंड आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज द डिलेमा है वो ये है कि इंसान सच बोल सके बगैर किसी को हर्ट किए. ये है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. और ये मैं चाहता हूँ कि किस तरीके से ना ये मैं कर नहीं पाता, यू नो. हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यू नो. लेकिन अक्सर लोग उसको बड़ा गलत तरीके से उसको यूज कर लेते हैं. बट एनी हाउ, दैट इज समथिंग. अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो क्या कुछ रिग्रेट्स हैं? नो. कुछ बदलना चाहोगे? नो, नथिंग. यू नो, मुझे मेरी जिंदगी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेरी जिंदगी चलती रही, एक खुद पर्सनैलिटी वाइज भी. तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे ये चीज़ें चेंज करनी अपने बारे में. बड़ी प्रोग्रेसिव लाइफ मैंने गुजारी है एंड अभी भी, यू नो, आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ. तो यू नो, चलता रहता है चीज़ें. तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज कर सकते हैं. क्या फ़ायदा होगा चेंज करके? कभी ऐसा लगा, कभी ऐसी खुशी मिली कि नाचने को दिल किया? या yes. There was like this song, gana tha Allahu Akbar, lekin jab ye aaya tha to us waqt I celebrated this song because wo mere bilkul andar ka thought tha aur wo maine khud usko likha. Aur aap jo sochte hain fir aapko wo platform bhi aisa mil gaya jahan pe millions of people are going to listen to that song, you see. And that was a great honor for me. And wo gana jab mujhe India se, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के मज़ार से वहाँ पे प्ले हो रहा था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग हियर. सो तो दैट वाज द मोमेंट ऑफ यू नो सेलिब्रेशन फॉर मी लास्ट टाइम. यस. कभी बहुत दुख हुए? पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. बहुत दुख हुआ? हाँ, बहुत दुख हुआ मुझे एक दफ़ा कि मेरा
मेरे साथ एक शख्स काम करता था, तो वो मुझे इम्पर्सनेट कर रहा था एक बैंक में, एंड आई वुडन्ट वांट टू टेक हिज नेम, बट बहुत ही इट वाज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड यू नो वाज लाइक अ ब्रदर टू मी, एंड सडनली यू हैव समबडी हु इज जस्ट यू नो इज चीटिंग ऑन यू, इज लाइक आपके पैसे वैसे इधर से उधर से आ रहे हैं. तो वो मुझे उस वक्त में बहुत हर्ट हुआ था, you know? क्योंकि आपने उसे ऊंची ऊंची जगह पे रखा था ना, उसे एक मकाम दिया था, एंड दैट इज व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड. दैट्स उस वक्त वो था मेरा, वो बहुत हार्ड टाइम था मेरा, क्योंकि यू नो वो किसी पे आप इतना भरोसा इतना भरोसा कर लेते हैं, तो वो एक और वो जिस पे भरोसा करते हैं ना उसके पास एक आपको हर्ट करने की कुंजी भी आ जाती है. वो चाबी आपको अपने पास रखनी चाहिए. दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू यू नो, मैं वो अब बताना चाह रहा था कि इतना ज्यादा अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना चाहिए. मैंने किसी को एक दफा कहा था कि आई डिनाई यू द पावर टू हर्ट मी. दैट्स टफ, दैट्स टफ, दैट्स टफ, बट यू हैव टू डू इट. किसी को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया था, तो आई सेड कि टुडे आई डिनाई यू द पावर टू हर्ट मी. बस एक क्रिएटर अपने क्रिएटर के पास चला जाता है, बस ये होता है, बिकॉज़ ये यही लाइफ है. हम लोग, मुझे लगता है कि दुनिया बनी ही इसलिए कि हम लोग क्रिएशन को पहचान कर क्रिएट करें. या बिकॉज कोई भी आपको तब तक ही हर्ट कर सकता है जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. द टाइम यू लूज रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन यू वॉन्ट गेट हर्ट. रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेशंस. कभी रोए हो? लॉट ऑफ टाइम्स, लॉट्स ऑफ टाइम्स. बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे रोया हूँ, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में ना दुख फिर बर्दाश्त होता है, दुख फिर आप जिंदगी में लेके चल सकते हैं, लेकिन पछतावा के साथ आप जिंदगी नहीं गुजार सकते. दुख के साथ साथ आप जी सकते हो, लेकिन रिग्रेट के साथ नहीं जी सकते. तो मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ कि आई डोंट वांट टू यू नो लिव अ लाइफ जिसके अंदर मेरे पास रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं. सो आई अवॉइड रिग्रेट्स. दुख से बंदा जी लेता है, पछतावे से नहीं जी सकता इंसान. जिंदगी क्या है? जिंदगी मेरा बहुत अलग एक पर्सपेक्टिव है जिंदगी के बारे में. एक तो वो जिंदगी जिसको हम लोग चाहते हैं जीना, हाँ. और एक वो जिंदगी जो जीनी पड़ती है. हाँ. दो तरह की जिंदगी है, क्योंकि जिस जो जीना चाहते हैं वो आपके ख्वाब का हिस्सा होता है, और जो जिंदगी जीनी पड़ती है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी वो लाइफ है जो आपको जीनी ही जीनी है. तो वो लोग, मैं अब वन ऑफ दोज पीपल जो कि कभी कभी अपने आप को सेपरेट कर लेता हूँ उस लाइफ से जो मेरी है, और उस लाइफ में चला जाता हूँ जो मेरी नहीं है. तो वो जो नहीं है वो कैसी है? वो वही है. आई मीन इट्स द वर्ल्ड ऑफ जहाँ पे मैं खुद हूँ अपने साथ, एंड यू नो आई एम फ्री, आई कैन टॉक टू मायसेल्फ, आई कैन थिंक अबाउट एवरीथिंग, आई कैन से व्हाटएवर आई वांट, द पर्सन इनसाइड मी इज ऑल देयर टू लिसन टू मी. सो आई गिव दैट मोमेंट टू मायसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माई लाइफ. बाकी जिंदगी मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ स्ट्रगल. आई मीन even in the most ideal situations you will still get troubles. That's life. That's life. ha main kabhi kabhi main kisi ko kehti hu ki jab aap safar mein ja rahe hote ho to har nukkad pe ek mukka khada hota hai. But that's true. I mean, it's not even funny, this is true. ha every turn, you know, jo bhi aapka, the more successful you become, I think wo फिर वो आपको एक लेगेसी भी कैरी करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है, बड़ी चीज़ें हैं. तो आप बहुत अच्छे भी हो गए तब भी आप मज़ा नहीं कर सकते, आप बहुत बुरे भी हो गए तब भी आप फैद. तो एक व्हाट डिड यू बाय जब पैसे बने थे, क्या चीज़ की थी जब पहला कैश आया था या पहला चेक हाथ में आया था? पहला जब मेरा चेक नहीं था, दैट वाज कैश था, दैट वाज 10,000 रुपीज. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, एक बैंड होता था कॉल्ड कोलाज, उनका मैंने गाना किया था, कभी तो मुझसे करा, कभी तो मुझसे इकरार करना, बड़ा फेमस हुआ था जमाने में. सो दैट वाज माय कंपोजिशन. तो वो उसका मुझे उसकी पेमेंट मिली थी 10,000 रुपये, एंड आई वाज लाइक डैम मैन, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड. क्या किया था उस पैसों से? अम्मा अब्बा को दे देते, वो मैंने किया था, उसमें से मैंने शायद 200 रुपये पास रखे थे, 200 रुपये वाज मोर देन एनफ फॉर मी. तो या 10,000 रुपीज बस. मौत समझ आई है? नो, because I think I haven't experienced it, so that's why I can't say it. I'm sure, but it's just so it's the end, it's inevitable, something which. But have you ever wondered ki amazing brain kahan chala gaya, ye sara kuch jo create kar raha tha insaan, jo likh raha tha, jo bol raha tha, jo
सोच रहा था, जो महसूस कर रहा था, सडनली देयर इज टोटल साइलेंस. बस एक क्रिएटर अपने क्रिएटर के पास चला जाता है, बस ये होता है. बिकॉज ये यही लाइफ है. हम लोग, मुझे लगता है कि दुनिया बनी ही इसलिए कि हम लोग क्रिएशन को पहचान कर क्रिएट करें. तो यही मकसद है. और उसके अंदर इबादत भी आती है, उसके अंदर तौहीद भी आती है, उसके अंदर आर्ट भी आता है, उसके सब कुछ आता है. बिकॉज मैं एक जंगल में जा रहा हूँ और सामने एक बोर्ड लगाओ टेक राइट टर्न, और मैं ये अज्यूम करूँ कि कुदरती तौर पर आ गया, तो ये हो नहीं सकता. तो किसी ने बनाया हुआ. तो इफ़ यू लुक एट ह्यूमन बॉडी एंड द मैकेनिज्म ओवरऑल, आई मीन जो भी हमारा एक अल्लाह ताला ने बनाया, तो कितना अच्छा लगता है कि समबडी मेड यू एक्चुअली. एंड टू रिकग्नाइज समबडी हु मेड यू इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. यस, द बिगेस्ट अचीवमेंट. और फिर आप उसी का हिस्सा बन जाते हो. हिस्सा बन जाते हैं. यू जस्ट गो टू योर, आई लव द वर्ड व्हाट यू सेड. यू गो, यू नो, यू आर अ क्रिएटर एंड यू गो बैक टू योर क्रिएटर. या That's how it is. And that is why I think Allah Ta'ala ke nazdeek jo, kyunki khalq karna Allah ki sifat hai aur ye bade kam logon ko milti hai. Jaise kafi naam hai, kyunki maine abhi coke mein gana aise kiya tha, us Allah Ta'ala ke sare naam maine, sare nahi lekin kuch, to Allah ki sari sifat aap apna sakte ho. Jaise aap afzal ho sakte ho, ya aap akbar ho sakte ho, aap khaliq ho sakte ho, you know, aap अजीम हो सकते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप मुतकब्बिर नहीं हो सकते, यू नो. तो कुछ चीज़ें उसने अपने लिए रखी हुई हैं, उसको उसको टच नहीं करना. वहाँ से पता चलता है कि हाँ कुछ उसका भी है जो उसको देना है. तो वो सिर्फ नहीं अपना सकते. हम लोग दुनिया में मुतकब्बिर होके नहीं कर सकते. यू हैव टू बी हम्बल, जितने मर्जी आप बड़े हो जाए. तो मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन बड़ा मज़ेदार है उसके साथ. I strongly feel that because that is how I get to, you know, the ideas like khaki banda, ideas like Allahu Akbar, and yani Nuh ki kashti ko dekhta hoon, Nuh ki kashti ko dekhta hoon aur hauz e nadamat mein dooba hoon. Ye jo nadamat ki mala hai mere gale mein padi, tasbih isko banate ilahi. To is ye sab thought, halanki main kisi madrasa mein nahi gaya hoon, main I haven't been to, like, मेरी schooling proper नहीं है. तो ये कहाँ से आता है? ये वो connection, connection है. And मुझे लगता है कि हाँ, जब millions of people are there to listen to you, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा है लोगों तक. कभी अल्लाह पे प्यार आया? बहुत ज़्यादा. मैं अल्लाह को पता कैसे याद करता हूँ? I don't know if you should say this. मैं अल्लाह को ऐसे याद करता हूँ कि जैसे कोई इंसान अपने महबूबा को याद करता. Runs in my own, blood में एक veins के अंदर एक, नहीं कह सकते आप, क्यों नहीं कह सकते? मेरे मेरे खून में सारा सूफीज्म है इसी के ऊपर. मेरे तो ऐसा लगता है कि बस मैं, मुझे उससे, लेकिन हम लोग वही है ना कि हम लोग डंडी मार जाते हैं, बस बस डंडी नहीं, डंडी मार जाते हैं. प्यार में डंडी नहीं मारनी चाहिए, है ना? आज कहाँ खड़े हो? जहाँ पे मुझे होना चाहिए था, बट अगेन That's not it. There's a lot more. आगे क्या देखते हो? Just go with the flow. वो कहते हैं कि only dead fish goes with the flow. But again, it's not just the fish. It's the water itself. Wow. So you become water rather than the fish. और फिर समंदर का हिस्सा बन जाते हैं. See what you know. उसके जो plans हैं आपके लिए, वो होने हैं. You just there to work hard. You just there to try, and let's see the results. That's all. But you have to believe in yourself, and then you have to have faith in Almighty. At the same time, so things happen for you, and you can't plan your accidents. You can't. You know, you have to. You have to. You know, अपने future के लिए planning करनी चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए. लेकिन कुछ चीजें हो जाती हैं. आप नहीं plan करते. बस that's life. That's how. यू जस्ट, आप घर से निकले हो, कुछ करने हो, कुछ जाता है. यही जिंदगी है और यही जिंदगी का मजा है, यू नो. अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. ये मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस है. अदरवाइज इट विल बी सो बोरिंग. बोरिंग, यू कांट बी क्यूरियस. यू इंक्विजिटिव, वो एक वो जो होता है ना आपकी, जो जो एक एटीट्यूड, वो छोटा सा बच्चा जिंदा है अंदर, विल ऑलवेज बी, है ना? ये छोटा सा बच्चा हमें सुनाएगा कुछ? यस, डेफिनेटली. Right, मेरा गाना है इसमें.
ट्यून 440 पे तो नहीं है करना ट्यून रुक जाते हैं हम जमाने में तेरी मेरी कहानी बिल्कुल सुना है पहले मैं डर गई थी कि क्या होने वाला है कर देखो मेरे मेरे फेवरेट गाने के साथ क्या करने लगे नवाजिश करम मेरे पानिया ये आरज़ू थी कि देखे हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं देखी नहीं जमाने में तेरी मेरी जवानियां कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां थैंक यू इट वाज सच अ प्लेजर सेम हियर